Where is Buggy? Mark the location. मेरे पास ऊजी तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले। और कैसे हो तुम सब? बढ़िया हो ना? आ चुके कौन नए गेम प्ले के साथ। और ये वाला गेम प्ले भाई कौन का रैंक पुश का होने वाला है? अब मेरे को पता है कि कुछ दिन अपने गेम प्ले भी नहीं आए और क्लिप्स भी नहीं आई, क्योंकि अपना ना कौन का रैंक पुश चल रहा था और उस टाइम के बीच में मैं थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो गया था, इसके लिए अपने गेम प्ले भी नहीं आ पाए। और हाँ, मेरे को पता है कि मैं गालियां खाने वाले काम कर रहा हूँ, पर भाई इतना तो चलता है ना, बस इतना सा। तो बस ये वाला गेम प्ले एंजॉय करो, क्योंकि ये तगड़ा गेम प्ले और अच्छी खासी लॉबी का है, तो तुम्हें देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब इधर ना हम ऊपर जाते ही मर गए थे, मतलब की गलती से। तो बस हम आ जाते नीचे की साइड और मैं इनका रश कर देते हैं। अचानक से वक्त जिनकी जज्बात सब बदल दिए इस बंदे ने। पर कोई ना, तुम्हारा भाई तो अच्छा है ना। तो उन सबको बचाने के बाद मैंने कहा तुम लूट करो, मैं रश करके आता हूँ, क्या पता एक दो किल मिल भी जाए। बट तभी उनपे एक स्क्वाड आ जाती है। और तुम ये सुनो भाई, मतलब सीरियसली मैंने एक मिनट के लिए छोड़ा था इनको, हर पूरी स्क्वाड ने इनकी ले ली, मतलब कि ये तो 42 हो गया। मेरे को लग रहा है इसको रिपोर्ट करना, ये प्लेयर करके रिकॉल कर दो, पहले रिकॉल, एक लोग रिकॉल पे ही जाओ, डायरेक्ट फाइट ना लो, कॉन्करर है ना। अब उनकी फटी फटी है क्योंकि उनको माइनस लग जाएगा। तो मैंने अपने टीममेट को कहा कि तुम गाड़ी लेके चलो इधर से, मैं जाता हूँ इन बंदों पे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि चुल तुम्हारे भाई में कितनी है। भाई मैं सच बताऊँ ना, तो मेरे को रैंक पुश वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट आजकल लोगों को यही पसंद है कि कॉन्करर लॉबी के गेम प्ले लाओ, बस फिर आ गए। अगली बार मुझे इस तरह के विचार आए ना, तो मेरे चेहरे पर एक घूंसा मारना, मतलब कि मेरे को लाने पड़े यार जबरदस्ती, अब तुम्हारे लिए कुछ भी। तो बस लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि ये वाला क्लच है ना तुम्हारी गाड़ी फाड़ देगा कसम से। ये तो एडिटिंग के अंदर देखा है मैंने, बस लाइव देखते हुए। दिख रहा है। अब इधर इस टीम को भी पता है कि सामने मैं हूँ। और भाई ऐसी वाली लॉबी में जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे साथ बम बम हो जाता है, ऐसा इन बंदों को लग रहा होगा, बट ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि मैंने कहा अपन तो रश कर नहीं सकते, तो क्यों ना उनको ही रश करवाते अपने ऊपर। अरे बैठो, अरे पागल है क्या? एक को तो स्प्रे देके ही उतार सकता था तू, बस वो रिकॉल भी टच करने ही वाला है। और मेरे पास इमरजेंसी पिकअप तो है, मैं सोच रहा हूँ यहीं लगा के सीधा यस भाई के ऊपर। करो करो करो, ऐसा कर लो, कोई गाड़ी है अगल बगल, उन्हीं पे गाड़ी थी ना बग्गी। भाई आ जाओ यार प्लीज, अब उनको पता तो चल गया कि मैं इधर हूँ। अरे तुम लोग जाओ, के लिए मैं अपना जाओ बग्गी का बलिदान दे रहा हूँ, इमरजेंसी पिकअप से आ जाऊंगा। देखा, आ रहे है ना, हाँ ये पता था मेरे को। तो बग्गी लेके आओ, बग्गी लेके आओ भाई चैन। Where is Buggy? Mark the location. मेरे पास ऊजी। हाँ ये ले लूँगा मैं। सुबह भाई कैसे खा ले रहे? अब कोई कैंप नहीं बोलेगा भाई, क्योंकि ये पूरे चार बंदे थे और इनको मेरी लोकेशन पता थी, तो ये कैंप तो नहीं हुआ, अच्छी खासी फाइट है। तो हाँ ये वाला क्लच तुमको कैसा लगा कमेंट में बताओ, और लाइक कर दो, बिना कह लाइक कर दिया करो कभी, क्योंकि ऐसी वाली लॉबी में ऐसे वाले क्लच बहुत आने वाले। अभी मैंने ना तुम्हारे लिए मतलब कि 15 से 20 दिन के गेम प्ले बना के तैयार रख दिए हैं, अब चाहे मैं ऑफलाइन हो जाऊँ बट गेम प्ले नहीं रुकेंगे भाई। अब उनकी ना मैंने एक टाइमिंग फिक्स करी है, मतलब कि अपने 11 बजे या 10:30 बजे बीच में आ जाएंगे। तो हाँ जितने भी अपने खास सब्सक्राइबर है फैमिली, तो आ जाना देखने। अब उधर से निकलने के बाद मैं जाता हूँ सीधा इधर की साइड, मतलब कि अपार्ट्स की साइड, और इधर ना एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी पर वो मिल नहीं रही है मेरे को, तो बस उनको ही ढूंढ रहा था। और इसी बीच में ये वाला सीन हो जाता है, मतलब कि मैं जिस गाड़ी को ढूंढ रहा था ना, लगता है वो वाली गाड़ी हमको ढूंढ रही थी, और उनकी खराब किस्मत की हम उनको मिल जाते हैं। पीछे पकड़ के,
ठीक है वहां लग अच्छा वो अलग है वो थर्ड पार्टी है अंदर है अंदर है ठीक है ले लो अपना पहले उधर पहाड़ पे ऊपर चिट्टी मार गई ना नहीं भाई व्हाट द हेक ये सीरियसली क्या था अरे सांस ले लो यार क्लच अच्छा था मेरे को पता है अब उसका एम पता नहीं कैसे लगा बट मैं लेट गया था यार फिर भी मैं नॉक हो गया तो कोई ना उधर अपनी टीम मेरे को रिकॉल कर देती है मतलब कि रिकॉल कर देती है और इस वाले अपडेट में सबसे ज्यादा एक ही चीज हो रही है भाई गेम क्रैश होना मतलब कभी भी कहीं पे भी हो जाता है भाई इधर ही देख लो इस बंदे का मेरे को ना इस बंदे के लिए बुरा लग रहा है बेचारे का गेम बीच में क्रैश हो गया नहीं यार नहीं होना चाहिए ऐसे अब उधर से निकलने के बाद मैं जो तो सीधा इधर की साइड क्योंकि जोन इधर बना था और अगर तुम ऐसी वाली लॉबी में खेल रहे हो तो सब बंदे रैंक पुश करते हैं और मजाक सेट के सब अपना अपना कंपाउंड होल्ड करके बैठते हैं मतलब कि कोई भी कंपाउंड नहीं मिलने का तुमको तो मैंने कहा कोई ना कोई तो ओपन में मिलेगा अपने जैसा बस फिर ये वाले बंदे हमको ओपन में मिल जाते हैं यहाँ पर भाई इस टीम के साथ कुछ ज्यादा ही गलत ही नहीं हो गया मतलब कि ये कंपाउंड लेने आई थी हमसे हमारे पास तो घंटा कंपाउंड नहीं था फिर भी इनको लेने के चक्कर में देनी पड़ गई भाई बुरा लग रहा है यार तुम्हारे लिए तुम अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है ए बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है रुक जाओ अब अपने पीछे की साइड जो कासल है ना उधर कुछ एक टीम है मतलब की एक टीम है पूरी और उनके साथ अपनी भसड़ हो जाती है भाई बहुत गंदी वाली मतलब ऐसे तो जोन में हम भी थे बट वो जोन के मिडल में थे तो मैंने कहा इनसे ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं मतलब कि ये कासल बट पता नहीं क्या गलत चलता एडब्ल्यूएम की गोली लग ही नहीं रही है उनको भाई सीरियसली ऐसे कौन करता यार देखा मतलब कि लग ही नहीं रही है भाई तो इधर मैंने अपने टीममेट को बोला कि बेफालतू की फाइट लेने से क्या फायदा अपन दूसरे कंपाउंड में चले जाते हैं बट मेरे टीममेट ना नहीं नक्को इल्ले भाई इनको ये कंपाउंड चाहिए था और इसके चक्कर में बहुत सारे सीन होते हैं मतलब कि बहुत ज्यादा अब मेरे टीममेट तो मेरी मानने की नहीं है तो मैंने कहा चलो फिर फ्लैंक मार देते हैं भाई मैं भी स्काउट भाई का फैन हूं ना तो बस फिर मैंने मार दिया फ्लैंक अरे नहीं मेरे को उसने दो गोली में नॉक किया मेरे पास पूरा लेवल 3 है और मैं पत्थर के पीछे था हल्का सा बस हेड दिख रहा था उसमें भी मैं कवर में आ गया तुरंत और कवर में एक गोली लग गई मेरे पैसे कौन सा 90 FPS है मुझे समझ या फिर मेरा नेट और मैं मजाक से हट के बताऊं तो घंटा कुछ भी नहीं होता मेरे फ्लिंग मारने से उस्तादी माफ हुआ का अब मुझे पता था कि तुम्हारे फेफड़ों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी मेरे से कि ये फ्लैंक मार के कुछ ना कुछ तो करेगा बट भाई नहीं हुआ यार क्योंकि वो वाले बंदे अपनी जगह छोड़ने के ही नहीं है तो सिंपल एंड सोबर मैंने अपने टीममेट से बोला कि भैया नीचे की साइड चलो जोन उधर भी है उधर कुछ होल्ड कर लेते बट मेरे टीममेट एक नॉक है एक बहुत लेट है एक HP पे वो भाई कोई दिख क्यों नहीं रहा है मेरे को अच्छा
मेरे को तो घंटा कोई भी नहीं दिख रहा यार। अब तुम ही बताओ, ऐसी छोटी छोटी बातों पे मैं फ्लैंक मारने लग जाता हूँ भाई। Mark the location. Watch out! Zone आ गया, मेरे को भागना पड़ेगा। Help! Watch out! वो भी सब जोन से। Watch out! सब जोन से नॉक, एक नॉक हो तो भाई एक तो जोन नहीं है मेरे पे। Awesome. अबे ये बंदा कहाँ पे है अब? अब इस बंदे के साथ मेरी बहुत तूतू में होती है, मतलब कि ये वाला बंदा निकलते ही नहीं अपनी जगह से। भाई ऐसा भी कैंपर जरूरी नहीं है, चिकन ले लो ले लो, क्या दिक्कत है, मेरी तो छोड़ दो भाई। पर इस बंदे को मेरी लेनी थी तो मैंने कहा चलो फिर इधर से निकलते हैं, मतलब रात को करूंगा व्हाट्सएप। अब मैं जोन में एक अच्छी सी जगह देख ही रहा था क्योंकि मेरे हेलमेट वेस्ट भी डैमेज था और मेरी बग्गी, मतलब कि नहीं पूछो यार, कोई बंदा फूक भी मारेगा ना फिर भी फट जाने की है ये। अब उधर से मेरे को लगा कि शेक में एक आध बंदा होगा। अरे एक ने एक को मार दिया, लास्ट बचा ये। अब इधर मैं कुछ टाइम होल्ड करता हूँ, बट अपने सामने जो बंदे थे ना दो, उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, मतलब कि एक बंदे ने दूसरे को मार दिया है, अब बचा एक बंदा। और मजे की बात ये है कि उसने मेरे को देख भी लिया है, मतलब कि मुंडी तो दिखाएगा ही। भाई मजाक से हट गया, उस बंदे को लगा कि मेरे पास M4 है, वो लेट के स्प्रे दे देगा। और हाँ हुण तुम दसो कि तुम्हें ये वाला गेम प्ले कैसा लगा, और अच्छी खासी लॉबी थी तो तुम्हें मजा भी आया होगा, मतलब आया है तो भी कमेंट में बताओ, नहीं आया है तो भी कमेंट में बता दो। चलो फिर कल मिलते हैं 10:30 एक और नए गेम प्ले के साथ, जो कि है कॉन्कर लॉबी का, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो फिर टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।